हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वॉचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। इसे सोल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है, सोल का मतलब होता है अकेला, यानी कि बिजनेस का ऐसा रूप जिसमें अकेला व्यक्ति काम करता है। ये हमारे भारत का सबसे पुराना तरीका है काम करने का, और ये भारत के साथ साथ बाहर के देशों में भी इस तरीके से काम किया जाता है। जो हमारी पार्टनरशिप या कंपनीज होती हैं, वो इसी का एक डेवलप्ड रूप है। अब हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप या व्हाट इज सोल ट्रेड, तो इसका हम आंसर क्या देंगे। इट refers to that form of business organization which is on by a single individual who is solely responsible for its management and received all the profits and loss। जैसा कि इस डेफिनेशन को देख के हमें पता लगता है कि ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति काम को खोलता है, उसमें अपने लिए कैपिटल लगाता है, यानी कि दुकान खोली जैसे उसमें सामान डालता है, और जो भी उस दुकान में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो उसको खुद को बियर करना पड़ता है। उस व्यक्ति की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि दुकान में अगर कोई भी नुकसान हो गया तो उस सोल प्रोप्राइटर को, यानी कि ऑनर को खुद ही बियर करना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो अकेला ही सारा काम संभालता है। वो किसी तरह के मैनेजर रख सकता है, नौकर रख सकता है अपना काम करने के लिए, पर सिर्फ मालिक वही रहेगा। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। सोल ट्रेड सिर्फ जो ऑनर होता है वो सिर्फ अपनी सोल प्रोप्राइटर में एक सिंगल पर्सन होता है। वो अपनी, जैसे कि हम कंपनी में देखते हैं, उसमें अगर 10 लोगों की कंपनी है, 10 पीपल की, तो सबका उस पे ऑनरशिप होती है। पर जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें सिर्फ एक ही ऑनर रहेगा, बाकी सारे भले वो मैनेजर रख ले या अपनी शॉप पे या कहीं और वर्कर्स रख ले, पर वो ऑनर नहीं हो जाते। पर कंपनी के केस में वो ऑनर बन जाते हैं। पार्टनरशिप के केस में भी जितने भी लोग हैं, 2 or more, वो सब भी कंपनी के ऑनर ही होते हैं। ठीक है, अब सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला फीचर, इंडिविजुअल ऑनर। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि वह अकेला ही ऑनर रहेगा, ओनली वन ऑनर। ओनली वन ऑनर। सेकेंड फीचर देख लेते हैं, सोल मैनेजमेंट। सोल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी के जो भी उसकी फर्म है या जो भी है उसका सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है जो उसका,
उसको वो खुद ही मैनेज करेगा। छोटे स्केल पे तो वो खुद मैनेज कर सकता है, पर अगर बिजनेस बड़े स्केल पे है तो उसे कोई मैनेजर रखना पड़ेगा सब। पर इसकी खास बात यह है कि मैनेजर के द्वारा किए गए कामों की लायबिलिटी भी उस सोल ओनर की ही होती है, मैनेजर अपने द्वारा किए गए कामों के लिए खुद लायबल नहीं होता। थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर उसकी दुकान पे लॉस हुआ है तो उस लॉस को पूरा करने के लिए उसे अगर अपने घर का सामान भी बेचना पड़ गया तो उसे बेचना पड़ेगा अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए। वो सिर्फ ये नहीं कह सकता कि मेरी दुकान में जो असेट्स हैं वो ले जाओ और पूरी कर लो, कर्ज उतार लो अपना, जबकि उसे अपने घर का सामान भी देना पड़ सकता है। फोर्थ इसका है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में जब बंदा ही अकेला है, कोई ऑनर है वो अकेला है, तो वो इतना अपने आप ही बिजनेस के में क्या सिलेक्शन कर लेगा। मान लीजिए उसने दुकान खोलनी है तो वो खुद ही ये डिसीजन लेगा कि मैंने राशन की दुकान डालनी है, कपड़ों की दुकान डालनी है या जूतों की दुकान डालनी है। पर जब एक हम मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, दो तीन पार्टनर्स मिले हैं, तो हमें सबका सुजेशन मानना पड़ेगा कि हमें किस चीज का काम खोलना चाहिए। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में पर्सन खुद डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम होता है कि वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। सीक्रेसी ये होती है कि कुछ बातें जो सीक्रेट रखी जाती है, पार्टनरशिप में कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा जाएगा। चार लोगों की पार्टनरशिप फर्म है तो वो उन्हें कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि क्या डिसीजन है। तो हो सकता है उसमें कोई ऐसा बंदा भी हो जो बाहर किसी को बता दे और आपका काम खराब हो सके, पर सीक्रेसी और सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही बंदा है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए वो अपनी फर्म के लिए कोई भी अच्छा डिसीजन ले सकता है और डिसीजन भी इससे जल्दी होते हैं क्योंकि किसी की एडवाइस नहीं लेनी होती। नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सिक्स्थ नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। सेपरेट लीगल एंटिटी बिजनेस की नहीं होती क्योंकि जब अकेला बंदा काम करने वाला है तो हमें पता ही है कि जो भी उसकी लायबिलिटी है वो उसे खुद को बियर करनी पड़ेगी, जो भी उसे प्रॉफिट हुए या लॉस हुए वो उसको खुद को बियर करने पड़ेंगे। अपने काम करने के लिए सोल प्रोप्राइटर खुद ही लायबल होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनडिवाइडेड रिस्क। ये हमारा सेवंथ पॉइंट अनडिवाइडेड रिस्क। अगर कंपनी को एक लॉस हो गया, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में लॉस हो गया, तो जब कोई सेकंड पर्सन ही नहीं तो अपना रिस्क किसके साथ बांटेगा, इसलिए उसे सारे प्रॉफिट और लॉस को खुद ही गेन बियर करना पड़ता है। ही गेन्स ऑल एंड रिस्क ऑल। सुटेबल फॉर स्पेशल बिजनेस, कुछ स्पेशल बिजनेस के लिए ये जरूरी होता है, जैसे कि कोई हमें दुकान खोली है, छोटी सी दुकान है तो उस पर किसी और की जरूरत है ही नहीं, तो व्यक्ति अकेला ही खोलेगा तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप में लेते हैं। अब देखते हैं मैरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मैरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट है क्विक डिसीजन। जब सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला व्यक्ति है, वो सारे डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकता है, तो वो डिसीजन क्विक लेगा अपनी फर्म के लिए। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी चीज का फायदा उठाने के लिए जल्दी से जल्दी
डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। यानी कि जैसे बाजार में माल अगर सस्ता है, आज माल 10 रुपए का है और कल सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि शायद माल हमें 15 रुपए पे मिले, तो उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत है कि 10 रुपए में हम कितना माल उठा ले, मान लीजिए 1000 यूनिट उठा ले। पर जब पार्टनरशिप होगी तो हमें बाकियों से डिसीजन लेना पड़ेगा कि अपनी एडवाइस दो कि हम माल लें ना लें, तो इसमें डिसीजन डिले हो सकता है, हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी हम खो दें। इसलिए क्विक डिसीजन हो जाता है, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी हो जाती है। सेकंड, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी ये भी है कि अपनी गोपनीयता का लाभ उठा सकता है व्यक्ति, कि वो हर अपना डिसीजन सीक्रेट रख के अपने लिए काम कर सकता है। डायरेक्ट मोटिफिकेशन हो जाएगी, डायरेक्ट मोटिवेशन हो जाएगी, डायरेक्ट मोटिवेशन। जैसे किसी को अपनी शॉप से मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसके लिए मोटिवेशन है प्रॉफिट की, जितना मैं ज्यादा काम करूंगा उतना मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। और पार्टनरशिप फर्म में ये होता है कि चार लोग मिलके काम कर रहे हैं, एक जना तो ज्यादा काम कर रहा है और बाकी तीन ऐसे ही बैठे हैं, तो उसके काम करने से ही सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो बाकी वो भी ये सोचेगा कि मैं क्यों काम करूंगा। पर जब इसका डायरेक्ट बेनिफिट सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा तो उसे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं काम करूं। इसका नेक्स्ट मेरिट देख लेते हैं, पर्सनल कंट्रोल। जब एक ही व्यक्ति काम करने वाला है तो उसका खुद का पर्सनल कंट्रोल तो काम पर होगा ही होगा। फिफ्थ है इजी फॉर्मेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई कंपनी खोलने में या पार्टनरशिप शुरू करने में हमें कितनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, पर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करने के लिए हमें कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ती, इसलिए इसकी इजी फॉर्मेशन हो जाती है। स्थापना में सुगमता। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशन भी देख लेते हैं। हर चीज की मेरिट्स के साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है। जब सिर्फ पैसे लगाने वाला एक ही पर्सन होगा तो उसके पास जितनी कैपिटल होगी वो सिर्फ उतनी ही लगा पाएगा। यानी कि कंपनी में अगर पैसे कम पड़ रहे हैं किसी भी फर्म में, तो उस पर और पैसे लगाने को नहीं होंगे क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर है। पर कंपनी के केस में और पार्टनरशिप के केस में बहुत सारे व्यक्ति मिल जाते हैं, तो वो सब थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, तो उनकी कैपिटल काफी बढ़ जाती है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, इसकी अनस्टेबल एग्जिस्टेंस होती है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, यानी कि एक दुकान खोल कर बैठा है, अगर उसकी डेथ हो गई है, वो बीमार पड़ गया, किसी भी केस में उसकी शॉप बंद हो जाएगी। पर पार्टनरशिप जो होती है उसमें अगर एक व्यक्ति की डेथ हो गई तो बाकी पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप फर्म चला सकते हैं। कंपनी है, कंपनी इज नेवर एंड, कंपनी को कभी भी किसी के मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी हमेशा परपेचुअल सक्सेशन में चलती है, वो स्टेबल होती है। पर इसमें सबसे बड़ी बात है कि अनस्टेबल एग्जिस्टेंस रखती है। थर्ड इसकी होगी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये हम सब जानते हैं कि इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनबैलेंस मैनेजमेंट, अनबैलेंस मैनेजमेंट का मतलब ये कि सारा काम सिर्फ एक ही पर्सन को करना पड़ता है, तो कोई भी पर्सन इतना
स्किलफुल नहीं होता कि वो हर तरह के सारे काम संभाल सके। मान लीजिए काम बड़ा है तो मान लीजिए वो शॉप भी संभालेगा, मैनेजमेंट भी संभालेगा, बाहर के काम भी संभालेगा, तो वो क्या क्या कर पाएगा। इसलिए इस तरह के कामों के लिए ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। और नौकरों के सिर पे वो लाइबल पूरी तरह नहीं हो सकता कि क्योंकि लाइबिलिटी तो सिर्फ उसी की रेज होगी जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑनर है। इसलिए इसमें अनबैलेंस मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ये पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके फीचर्स बताइए और मेरिट या डीमेरिट डिस्कस कीजिए। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।